सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्टून ट्रेंडिंग रील्स के बारे में, जो कि कार्टून ट्रेंडिंग रील्स अभी मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ट्रेंडिंग चला आ रहा है और सबका लाइक भर भर के मिल रहा है, जो कि जो भी ये रील्स बना रहा है उसका लाइक भर भर के मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला इफेक्ट दिया ही नहीं है, तो बहुत सारे बंदे लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये वाला इफेक्ट और बाकी सब ला कहाँ से रहे और रील्स पे अपलोड कैसे कर रहे हैं और मेक करके वीडियो को वायरल कैसे करवा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यही बात करने वाले हैं, वीडियो को कैसे मेक करें और कैसे अपलोड करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारी नए नए अपडेट आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड आपके ऊपर आपके पास पहुंचती रहेगी, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके मोबाइल पे, जिससे कि आप अपडेट रहोगे अपने इंस्टाग्राम से। तो यानी कि आपने सही सुना गाइस, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले कि कार्टून ट्रेंडिंग रील्स कैसे मेक करें, वो भी अपने मोबाइल से, वो भी ज्यादा देरी नहीं, 2 मिनट के अंदर ही। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपचैट। तो सिंपली स्नैपचैट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल फोन तरफ और दिखाते हैं कि वीडियो कैसे एडिट करना है आपको और कैसे मेक करके कैसे रील्स पे अपलोड करना है और वीडियो वायरल करवाना है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की तरफ। मोबाइल की तरफ आने के बाद आपको प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको स्नैपचैट सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्नैपचैट, जो कि मेरे मोबाइल पे पहले से इंस्टॉल है। आपको इसी तरह इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो प्ले स्टोर में जाकर सिंपली स्नैपचैट लिख के इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा, जो कि आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद ऊपर में आपको नीचे आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। जब आप इस इमोजी पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट है। तो सिंपली वो वाला इफेक्ट लाने के लिए आपको सिंपली ऊपर में सर्च आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च आइकन पे लिखना है आपको जो मेरा मोबाइल के स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, वही लिखना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखना है कार्टून 3D स्टाइल, CARTOON कार्टून 3D स्टाइल। तो सिंपली यहाँ पर मैं भी टाइप कर लेता हूँ कार्टून 3D स्टाइल। तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना। तो सिंपली आप टाइप करके सर्च करोगे, आपको फर्स्ट में जो रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्लिक करना, जो कि आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन तरफ दिख रहा होगा। कार्टून 3D स्टाइल आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कैसे ही कीजिएगा, आपका इफेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और आपका इफेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से वीडियो मेक कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फेस हो गया है कार्टून लाइक कार्टून मेरा फेस हो गया। तो सिंपली यहाँ पर मैं टैप करके, नीचे से टैप करके, होल्ड करके टैप करूँगा तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आप जब तक होल्ड करके रखोगे आपका वीडियो बनता ही जाएगा। तो आपको जितना देरी होल्ड करना है तो आप कर सकते हो और वीडियो को मेक कर सकते हो। वीडियो मेरा यहाँ बन चुका है। तो नीचे में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको नीचे में जो सेव का ऑप्शन है वहाँ पर आप जाके ये वीडियो को सेव कर सकते हो स्नैपचैट में। तो सिंपली मैं यहाँ पर नीचे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वीडियो को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो हो गया मेरा सेव स्नैपचैट में, बट मेरे गैलरी पर नहीं आया। तो इस वीडियो को गैलरी पर लाने के लिए आपको क्या करना है, बैक करना है सबसे पहले एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को बैक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर फेस कैसा लुक दे रहा है। तो आपको एप्लीकेशन को बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट स्नैप करना है। एक्सपोर्ट स्नैप में क्लिक करने के बाद आपको इधर स्क्रॉल करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो सिंपली ये वाला वीडियो आपका आ गया गैलरी पे। तो आप यहाँ पर गैलरी पे मेरे देख सकते हो कि मेरा वो वीडियो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपली ये वाला वीडियो मेरा आ गया गैलरी पे। अब मैं इसे रील्स पे अपलोड करूंगा सिंपली। तो मैं अब चला जाता हूं अपने रील सेक्शन पे, और रील सेक्शन पे जाने के बाद मैं वो वाला ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देख सकते हैं मेरा ये ऑडियो सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं इस ऑडियो को नीचे में यूज ऑडियो दिख रहा होगा सिंपली, उस पर मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद वो वीडियो को सिंपली गैलरी पे से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पर आ गया वही वाला वीडियो जो कि मैंने स्नैपचैट से मेक किया था। तो सिंपली यहाँ पर आपको जितना भी रखना है तो आप नीचे में आपको वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसको आगे पीछे करके सेट करके अपना वीडियो का लिमिट आप जितना भी रखना है आप रख सकते हो। आप अलग साउंड में बनाओगे तो भी आप रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटा क्लिप कर दिया आपको दिखाने के लिए कि मेरा वीडियो का क्लिप थोड़ा छोटा हो गया और मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं छोटा कर दिया थोड़े क्लिप को। और मेरे यहाँ पर हो गया वीडियो ऐड। तो सिंपली ऐड के सेक्शन पर जाके ऐड कर लेना ऊपर के एरो पे, और ऐड करने के बाद सिंपली आपका वीडियो चला जाएगा रील्स पे। तो यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग ले रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट दिखा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर
फिल्टर आप लगा सकते हो, यहाँ से आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो रील्स पे, जो नया आया है यहाँ पर अपडेट रील्स पे, तो आप यहाँ पर फिल्टर भी चूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको बहुत सारा फिल्टर मिल जाएगा लगाने के लिए, तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो वो भी बहुत आसानी से अपने वीडियो पे। तो यहाँ पर मैं एक फिल्टर यूज़ कर लेता हूँ जो कि अच्छा लगे मेरे वीडियो पे। तो यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर है, तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। तो सिंपली मैं जो फर्स्ट वाला फिल्टर यूज़ किया था वही मेरे को अच्छा लग रहा था, सो सिंपली यहाँ पर मैं वही वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर डन करने के बाद यहाँ पर मेरा वीडियो हो गया पूरा रेडी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट करके अब यहाँ का शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आप रील्स पर अपलोड कर सकते हो। सो गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे ये वाला वीडियो एडिटिंग किया जाता है और कैसे अपलोड किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जाकर नीचे लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आता है एडिटिंग के रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड या सोशल मीडिया के किसी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो सिंपली। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो उसके रिलेटेड इंस्टाग्राम के रील्स के रिलेटेड, लाइक के रिलेटेड, हैशटैग वैशटैग मैं आपको देता रहता हूँ। और उसमें ऐसा ऐसा बहुत सारा मोड वर्जन एपीके भी है जो कि आप यूज़ करके उससे आप अपने इंस्टाग्राम पे लाइक्स या फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक करते हुए जाना गाइस, बाय।